हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व फार्मा क्वीज़ नंबर थर्टी थ्री सो फार्मारॉक्स की जो फार्मा क्वीज़ के नाम से जो पॉपुलर एमसीक्यू सीरीज है कि जिसके अंदर स्पेशली हम सॉल्व करते हैं एम तो उसका क्वीज़ नंबर no. थर्टी की जो फुल सिलेबस रहेगी वो आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करते हैं सो वेलकम टू फार्मारॉक्स The way of success. So here are the instructions. Welcome to Farmerox YouTube educational channel. In this video, we will solve farmers related MCQ. MCQ it means multiple choice questions. So here are the quiz rules in that there are a total 10 MCQ in the quiz. Each correct answer carries 4 marks. इनकरेक्ट आंसर विल लीड टू डिडक्शन ऑफ ए मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स इज माइनस वन सो टोटल यू हैव टू सॉल्व टेन क्वेश्चन इच करेक्ट आंसर हैवेंगे फॉर मार्क्स मैग्जिम आपके फोर्टी मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं उसके बाद नेगेटिव मार्किंग माइनस वन रहेगी फॉर इनकरेक्ट आंसर के समझो कि आपका कोई कंसर गलत होता है तो माइनस वन आपको खुद डिटक करने हैं सो नेगेटिव मार्किंग इज माइनस वन टाइम लिमिट फिफ्टीन मिनट्स एंड यू मे पॉज द वीडियो फॉर नोटिंग डाउन द आंसर कि जब वीडियो में पॉज लिखा हुआ है तब वीडियो को आप पॉज कर दीजिए एंड आपका जो भी आंसर है उसको रिकॉर्ड बुक के अंदर नोट डाउन कर दीजिए और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए सो हाउ यू विल गेट द इवेल्यूशंस ऑफ दिस टेस्ट सो अगर आपके मार्क्स आते हैं बिटवीन थर्टी टू फोर्टी देन योर प्रिपेरेशन इज़ ए एक्सेलेंट कि जब थर्टी से चालीस के बीच में तीस से चालीस के बीच में मार्क्स है एक्सेलेंट प्रिपेरेशन ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स इट मीन्स द गुड टेन टू ट्वेंटी मार्क्स एवरेज प्रिपेरेशन नीड इट टू इम्प्रूवमेंट एंड समझो कि बहुत कम मार्क्स आते हैं जीरो टू टेन योर प्रिपेरेशन इज़ वेरी पुअर एंड टू स्टडी मोर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस सो लेट्स स्टार्ट एंड यू वेल यूट योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम कॉमेंट योर स्कोर आफ्टर कंप्लीसन ऑफ ए टेस्ट जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है आपका जो स्कोर है उसको आप कॉमेंट करिए सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर फॉर मा एजुकेशनल वीडियोज लेट स्टार्ट इन द क्वीज सॉल्व द क्वेस्स केयरफुली सो क्वेश्चन नंबर वन The primary function of simethicone in antacid product is to act as an suspending agent adsorbent buffer or anti flatulent so you may pause the video for think about the correct answer now you can resume the video to चेक द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज़ ऑप्शन नंबर डी एंटी फ्लैटुलंट सो एंटी फ्लैटुलंट रहेगा ये क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते हैं उसका एक्सप्लेनेशन कि वॉट इज़ एंटासिड एंटी फ्लैटुलेंट सो दिस मेडिकेशन इज़ यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ टू मच स्टमक एसिड सच स्टमक अपसेट हार्टबर्न एंड एसिड डाइजेशन मतलब कि जब आपके बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर स्पेशली जब एसिड का जो सिक्रेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है टू मच स्टमक एसिड कि जिसके कारण क्या रहेगा हार्ट बन रहेगा आपके अंदर एसिड डाइजेशन लगेगा एंड स्टमक में के अंदर काफ़ी आपको अपसेट रहेगा तो उसको ट्रीट करने के लिए जो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम सामने जो मेडिसिन देते हैं वो है एंटासिड एंड एंटी सो एंटासिड के बाद जो मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है एंटी का कि जब आ, अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं स्टमक के अंदर की बेल्चिंग होता है किसी को ब्लोटिंग होता है फीलिंग ऑफ प्रेशर और डिस्कम्फर्ट इन ए स्टमक एंड गट ड्यू टू द गैस कि जब एक्स्ट्रा गैस कि जब हम कहते हैं कि गैस ट्रबल हुआ है किसी पर्सन को तो जब एक्स्ट्रा गैस ये प्रोड्यूस होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर तो उसके कारण क्या होता है कि बेल्चिंग होता है ब्लोटिंग होती है प्रेशर फील होता है काफ़ी एंड डिसकम्फर्ट फील करता है पर्टिकुलर दैट पर्सन तो अब क्या होता है कि उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम सीमित को उसके अंदर एड करते हैं तो ये सीमेथिकॉन क्या करता है कि सीमेथिकॉन उसके अंदर जो गैस के बबल्स है उसको डिजोल्व कर देता है या फिर उनको ब्रेक कर देता है जिसके कारण जो भी पर्सन है उसको गैस ट्रबल में से काफ़ी फ़ायदा होता है और धीरे धीरे गैस ट्रबल जो है वह काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट हो जाती है सो ये है फंक्शन ऑफ सीमेथिकॉन ए एनी एंटासिड प्रिपरेशंस की एज अ एंटी फ्लैटुलेंट वो काम करता है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्प्स इन ब्रेकअप द गैस बबल्स इन ए गट क्वेश्चन नंबर सेकंड लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम्स टू प्रीवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव इस गवन अंडर शीड्यूल जे के शेड्यूल एम और शेड्यूल पी सो यू मे पॉज द वीडियो फॉर थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर सो द राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट शेड्यूल जे तो ये ऑप्शन शेड्यूल जे उसका करेक्ट आंसर है तो द शेड्यूल जे ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 फोर्टी फाइव ऑफ इंडिया कंटेंट्स लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट विच ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर तो इसका हम एक्सप्लेशन आपको समझा देते हैं अच्छे से कि ये क्या कह रहे हैं कि अंडर द रूल वन जीरो सिक्स द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अ ड्रग कैन नॉट मेक ए क्लेम टू ट्रीट और प्रिवेंट एनी ऑफ द डिस और रिफॉर्म द कंडीशन लिस्टेड तो ये रूल का क्या कहना है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ शेड्यूल जे के रिलेटेड कि समझो कि किसी पेशेंट को हुआ है ये डायबिटीज़ किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो अब क्या होता है कि डायबिटीज़ के लिए समझो कि आप मेडिसिन देते हो किसी को मेटफॉर्मिन तो मेटफॉर्मिन क्या करती है डायबिटीज़ का अंदर जो कंडीशन है कि आपका ब्लड शुगर आपका जो ब्लड शुगर इंक्रीज़ होता है उसको मेटफॉर्मिन कंट्रोल करके देगी कि एलिवेशन हो रहा है ब्लड शुगर में तो उसको रिड्यूस करके मेटफॉर्मिन उसको कंट्रोल करेगी बट ऐसा नहीं है कि आप छः महीने तक मेटफॉर्मिन लेते हो या फिर वन ईयर तक आप मेटफॉर्मिन लेते हो तो डिसीज़ कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी डायबिटीज़ समझो कि, कि किसी पर्सन को एक बार होता है तो वो टिल uh, डेथ वो डायबिटीज़ कंडीशन उसके बॉडी के अंदर रहती है कोई भी इंसान या कोई भी मेडिसिन से हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि डायबिटीज़ को आप हंड्रेड परसेंट क्योर करोगे सिर्फ वो कंडीशन को हम कंट्रोल करते हैं कंडीशन को कंट्रोल करते हैं शुगर को हम प्रॉपर लेवल के अंदर मेंटेन करने के लिए वो मेडिसिनस हेल्प करती हैं सो so यही कहना है शेड्यूल जे का भी आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अन्नाटो कंसिस्ट ऑफ ड्राई सीड ऑफ बिक्सा औरलाना फैमिली बिक्सा से द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूंट ऑफ दिस ड्रग इज ट्राइटरपिन अल्कोहल क्रोसिन एंड क्रोसेटिन कैप्सेंथीन और कैरोटिनॉइड्स सो यू मे पॉज द वीडियो फॉर थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज ऑप्शन नंबर डी कैरोटीनॉइड्स तो अन्नाटो के अंदर प्रेजेंट है स्पेशली कैरोटीनॉइड्स बिकॉज क्रोसिनर क्रोसेटिन वगैरह सेफ्रॉन के अंदर स्पेशली पाए जाते हैं कैप्सिनथीम के जो हम देखते हैं कि कैप्सिन कैप्सिकम के अंदर कैप्सिसिन के साथ कैप्सिकम के अंदर वो प्रेजेंट है एंड ड्राई टर्पिन अल्कोहल वगैरह जो टर्पिनइड्स क्लास की ड्रग होती है उसके अंदर प्रेजेंट है बट अन्नाटो जो है कि जिसको हम बिक्सा औरलाना कहते हैं कि वो फैमिली उसकी है बिक्सा से अनाटो स्पेशली जो है क्या है तो इट इज़ ए नेचुरल डाई इट इज़ नॉन एज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन नेचुरल डाई कि स्पेशली जो उसके नेटिव है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अंदर है और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स हम देखें तो कैरोटीनॉइड से उसके अंदर एपो से, टर्पिन से टर्पिनोइड्स एलिफेटिक कंपाउंड्स, बट मेन चीफ कंस्टिट्यूएंट का जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाए तो ये जो रेड कलर किया हुआ है कैरोटिनोइड्स वही आपको क्या करना है कंफर्म करना है सो so, इसके लिए इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट यहाँ पे रहे आपके लिए बिक्सा से उसकी फैमिली याद रखो अन्नाटो उसका जो यूज़ है और या फिर नेचुरल डाइब्यूज को कहा जाता है एंड बिक्सा इलाना। क्वेश्चन नंबर फॉर एन ऑर्फेन ड्रग इज अ वेरी चीप ड्रग अ ड्रग विच एज अ नो थेरापिटिक यूज अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज एंड ऑप्शन डी इज द अ ड्रग विच एक्ट ऑन ए ऑर्फेनियन रिसेप्टर्स सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन योर आंसर द करेक्ट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज़ ऑप्शन नंबर सी ड्रग नीड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसज़ कि जो ऑर्फेन ड्रग है तो उस उसके लिए स्पेशली जो ऑर्फेन डिसीज़ होती है ऑर्फेन डिसीज़ मतलब कि जो रेयर डिसीज़ है उनको हम ऑर्फेन डिसीज़ कहते हैं तो ये ऑर्फेन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम ये ऑर्फेंड ड्रग्स देते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ऑर्फेन ड्रग्स क्या है तो फार्मास्यूटिकल एजेंट है अलग अलग ऑर्फेंड डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बट ऑर्फेन डिसीज़ कैसी होती है कि काफ़ी रेयर डिसीज़ होती है बहुत कम केस के अंदर वो देखी जाती है तो जब उसका ड्रग का आप डेवलपमेंट करते हैं उसका डोजेस फॉर्म भी डेवलप करते हैं फिर उसका मार्केटिंग करते हैं तो सभी के लिए क्या लगता है कॉस्ट लगता है तो आप सभी के कॉस्ट आप यूटिलाइज़ करते हो बट सामने उसका सेलिंग जो है वो बहुत ही कम होगा बराबर यूटिलाइजेशन बहुत कम होगा बिकॉज ड्रग जो है वो ऑर्फेन ड्रग है मीन्स बहुत ही रेयर डिसीज़ के लिए वो यूज़ की जाती है सो वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस विदाउट गवर्नमेंट्स असिस्टेंट और कंसर्न क्या आपको समझो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर सपोर्ट होगा तो ही आप उसको डेवलप करेंगे बिकॉज़ बिना सपोर्ट के डेवलप करने से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है बिकॉज जितना आप खर्चा करते हो उसके प्रोडक्शन के अंदर उतनी सामने सेलिंग ही नहीं होगी तो रिजल्टिंग देर इज़ ए लॉट्स ऑफ लॉस तो वो लॉस ना हो अच्छे से प्रॉफिटेबल रहे उसके लिए या फिर आपको लॉस ना हो उसके लिए आप गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना या फिर उसके असिस्टेंस के बिना उसको डेवलप करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ही मर्जी करके जो मेडिसिन है उसको बनाया गया था ट्रीटमेंट के लिए पॉफिरिया की अलग अलग पॉर्फिरिया के टाइप है कि इंटरमिटेंट पॉर्फिरिया है वेरी वेरीगेट पॉर्फिरिया है हेरिडिट्री को प्रोपॉरफेरिया है तो ये प्रॉफेरिया का नाम आपने भी बहुत कम सुना होगा बिकॉज ये डिसीज़ कैसी है बहुत ही रेयर है बहुत ही कम केसेस उसके देखे जाते हैं इसलिए ही मार्जिनेट का भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना काफ़ी अन uh, रहता है ओके okay, इसके लिए विद गवर्नमेंट असिस्टेंसी इस टाइप के ऑर्फेन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है क्वेश्चन फाइव है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्जाटिव एंटासिड मैग्नीशियम सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट फेरस सॉल्ट और एल्यूमिनियम सॉल्ट सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन योर आंसर एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम सॉल्ट सो मैगनेशियम सॉल्ट की जो है लेग्जाटिव एंटासिड क्लास के ड्रग कि जो हम लेग्जाटिव के तौर पे उसको यूज़ करते हैं तो लेग्जाटिव एंड एंटासिड्स की स्पेशली मैग्नीशियम के सॉल्ट अलग अलग कि मैग्नेशियम का हाइड्रोक्साइड है मैगनीशियम का ऑक्साइड है मैग्नीशियम का कार्बोनेट मैग्नीशियम ट्राई सिलीकेट आर एक्सलेंट एंटासिड बट दे आर ऑल्सो एक्सेलेंट लेग्जाटिवस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो हम मिल्क ऑफ मैगनीसिया कहते हैं तो वो सभी तरीके से यूज़ होता है लेग्जाटिव भी यूज है एज वेल एज एंटासिड बट कंडीशन ये है कि लेग्जाटिव डोज इज़ अबाउट थ्री टाइम्स दैन एंटासिड कि समझो कि एंटासिड के अंदर आप एज अ एंटासिड वो लेते हो सिर्फ आप फाइव एम तो जब आपको वो लेग्जाटिव के तौर पे यूज़ करनी है तो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन एम आप यूज़ करोगे एज अ लेग्जाटिव डोज तो लोअर डोज़ के अंदर वो रहेगा एंटासिड एंड हायर डोज़ के अंदर आप उसको एज अ लेग्जाटिव यूज़ करोगे तो मैग्नीशियम के सॉल्ट वाइडली यूज़ होते हैं टू तो ट्रीट दिस टाइप ऑफ डिसीज़िज़ के एंटासिड के तौर पे एसिडिटी टू तो ट्रीट करने के लिए एंड एज अ लेग्जाटिव भी हम उसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आई वी आर आई लोकेटेड एट विच प्लेस पुणे अहमदाबाद कसौली और इज्जत नगर यू में पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन योर आंसर राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कि जिसको हम आई कहते हैं कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़्ज़त नगर एंड मुक्तेश्वर कैरीज आउट द फ़ंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटीसेरा वैक्सीन टॉक्सोइड एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन ऑल फॉर वेटरनरी यूज़ यहाँ पे लिखा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आई इज्जत नगर और मुक्तेश्वर में ये प्रेजेंट है तो उनका मेन काम है कि ये जो वेटरनरी पर्पस के लिए जो हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं वैक्सीन्स टॉक्सोइड तो वग़ैरह के लिए जो अलग अलग रिसर्च होते हैं वो आईवीआरआई के अंदर होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है कि स्टार्टिंग ऑफ मैंस्टोरियल साइकिल कॉल ओवेल्यूसन मैंस्टोरेसन मिनार्की और मैनोपोज एंड यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट योर आंसर द राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू ऑप्शन नंबर सी मीनार की सो जो फर्स्ट मैं ट्यूरेशन साइकिल जब स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल के अंदर तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए मीनार की यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनार की कि 11 टू 12 इयर्स की जब एज होती है ए फ़ीमेल तो फर्स्ट मैंस्टोरियल साइकिल स्टार्ट होता है कि जिसको हम फर्स्ट एम कहते हैं तो वो जो टाइम है वो कंडीशन है उसको हम कहेंगे मीनार की देन जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड फिर स्टार्ट हो गया सेकेंड मेंस्ट्रुएशन आता है और वहाँ से जब लास्ट मैंस्टूरेशन आता है तब तक का जो सफ़र है उसको हम कहेंगे मैंस्टूरेशन पीरियड और जब मैंस्टूरेशन कंप्लीट होता है आना तो 50 इयर्स से डेथ तक का जो टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं मैनोपोज तो ये है फ्रीमेल के डेवलपमेंट एजेस कि जहाँ से भी एम पूछे जाएंगे आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एट अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मूविंग ऑफ बोन आउट ऑफ द जॉइंट फ्रैक्चर स्प्रेन स्ट्रेन और डिसलोकेसन यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर आंसर द करेक्ट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज़ ऑप्शन नंबर डी डिसोकेसन तो यहाँ पे लिखा है कि मूव अब मूव करना मतलब कि मूवमेंट करता है कोई व्यक्ति तो मूवमेंट में उसका क्या चेंज होगा स्पेशली उसका लोकेशन जो है वो चेंज होगा अब लोकेशन चेंज होता है, जाता है उसको हम कह सकते हैं डिसलोकेशन कि अपनी जगह पर से हट जाता है लोकेशन चेंज हो जाता है दैट कंडीशन मस्ट बी डिसलोकेशन तो डायग्रामेटिकली देखते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर कि डिसलोकेशन ऑफ बॉन ये है आपका नॉर्मल फिंगर कि उसका जो लोकेशन पे ही है परफेक्ट और जब ये लोकेशन में से हट गया है ये देखो समझो कि ऊपर की ओर होना चाहिए उसके बजाय यहाँ से उसका आप फ्रैक्चर सॉरी डिसलोकेशन देख रहे हैं फ्रैक्चर नहीं हुआ है जस्ट लोकेशन ऊपर नीचे हो गया है क्रॉक्ड एंड स्वालन की यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हम देख सकते हैं एंड जो बोन है वहाँ से मूव हुआ है कि जो भी जॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा मूव हो गया है नीचे आ गया है बट फ्रैक्चर नहीं है तो इस ये कंडीशन को हम कहेंगे डिसलोकेटेड फिंगर एंड ये हो गया डिसलोकेशन ऑफ ए बॉर्न क्वेश्चन नंबर नाइन स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन पेरिएटल लोब, फ्रॉन्टल लोब ओसीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो नोट डाउन योर आंसर इन योर रिकॉर्ड बुक द राइट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी फ्रांटल लोब तो ये जो हमारा जो ब्रेन है उसके अलग अलग लोब्स होते हैं आपको पता ही होगा जिसके अंदर स्पेशली ये जो आगे का जो प्रोर्सन है फ्रॉन्टल लोब हम गए थे और वहाँ पर प्रेजेंट है ब्रोकाजेरिया और पीछे की ओर ये पेरिएटल लोब है ओजिपिटा लोब है वहाँ पे ये प्रेजेंट है वर्निक्स एरिया तो दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं कि जो ब्रोकाज एरिया की जो फ्रंटल लोब के अंदर है आगे के वो क्या करता है हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द स्पीच स्पीच जनरेट करने में वो हेल्प करता है और जब आपको कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है तो उसके लिए ये जो यहाँ पे जो दिखाया है कि वर्निक्स एरिया वो रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों में से एम सी क्यू पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए साथ रिकॉर्ड बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर टेन है कि टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी थ्री ज़ीरो फाइव टू ज़ीरो सिक्स वन ज़ीरो सिक्स और फोर ज़ीरो सिक्स सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर आंसर एंड द राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज़ ऑप्शन ए थ्री ज़ीरो फाइव तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्स ऑफ द बॉडी कि न्यू बॉर्न्स बेबीज हैव अराउंड थ्री जीरो फाइव बॉन्स अ बेबी स्केलेटन इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ ए कार्टिलेज जब जब बेबी का ग्रो होता है तो वो कार्टिलेज बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं ओसीफिकेशन कि जब ये चाइल्ड होता है तब उसके अंदर टोटल बॉन है थ्री ज़ीरो फाइव अब जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है और एडल्ट हु के अंदर पहुँचता है तब उसके अंदर टोटल बॉन हो जाते हैं टू ज़ीरो सिक्स टू ज़ीरो सिक्स बॉन बिकॉज ये जो कार्टिलेज थे वो कन्वर्ट हो गए ए बॉन और ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ओसीफिकेशन तो ये होता है बॉन्स So, PharmaRox, the way of success, GPAT Niper DI exam study material, etc. available. So, you can also use the F. Good luck and comment your score. Links of the previous test are given in a description box. Like, share, and subscribe the channel for such more pharma educational videos. Also, join in a WhatsApp group by say, send your name and city name and WhatsApp it to 94261 80836. This is the व्हाट्सएप नंबर